गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में प्रिया। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्रि है और आज पहला दिन है, तो मैं भी आज व्रत रखी हूँ। मतलब 9 दिन का व्रत नहीं करती हूँ मैं, पहला और लास्ट करती हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट डे है और बहुत सारे लोगों ने भी आज का दिन व्रत रखा है। मतलब बहुत सारे लोग 9 दिन का भी करते हैं, बट मैं पहला और लास्ट, मतलब पहला और अष्टमी करती हूँ। आप कौन सा करते हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपके आपको आपके पूरे फैमिली को हैप्पी नवरात्रि। और गाइस सुबह सुबह का मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था, तो मैंने पूजा की हूँ, पर मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। पर जो भी शूट की हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पूजा करते समय ना, मतलब पूजा करो या वीडियो शूट करो थोड़ा प्रॉब्लम और डिस्टर्ब हो जाता है। और पूजा करो तो दिल से करो, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है। और आज के दिन जो लोग भी व्रत रखे हैं फर्स्ट डे का, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। गाइस अभी हम किचन में आए हैं कुछ खाने के लिए। कुछ खाने के लिए मतलब दाल चावल सब्जी नहीं, क्योंकि आज मैं व्रत है ना, तो व्रत के दिन हम फल फूल या दूध खा ही सकते हैं। तो मतलब मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ, मतलब इसमें मैं फल उल दूध उध खा सकती हूँ। तो ये सुबह का ये दूध आया हुआ था, तो और ये गर्म नहीं था, तो मैं सोची थोड़ा सा इसमें गर्म कर देती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ कि मुझे, ताकि इसमें मेरा गला थोड़ा सा भींगा रहे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है ना। तो यहाँ पे मैंने एक केला लिया है, इसमें कटिंग करके मैं ऐड कर दूँगी दूध में। मैं सोची थी इसका जूस बनाऊँ केला का, बट मिक्सर का जो बाटी होता है ना वो धोया हुआ नहीं था, और सच कहें तो मुझे धोने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर केला को कटिंग कर दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी, क्योंकि दूध थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर ऐड करूँगी, जिससे थोड़ा सा मीठा हो जाए और खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइस यहाँ पर फाइनली बन के रेडी हो चुका, आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं छत पर कपड़ा पसारने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पर आज पूजा हुआ था गुड़ पावड़ा का। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे के साथ साथ आज गुड़ पावड़ा का भी पूजा होता है, आप लोग को पता है कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। और गाइस अभी देख सकते छत पर आए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक ही है और इतनी गर्मी है। अभी मई जून बाकी है, पता नहीं क्या होगा। और फाइनली मेरा यहाँ पर काम फिनिश हो चुका है। ठीक है गाइस, फाइनली मैं छत पर कपड़ा पसारती हूँ और देख सकते हैं छत बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं थोड़ा देर के लिए छत पे गई थी, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ, पर क्या करूँ, काम भी करना बहुत जरूरी है। छत मतलब कपड़ा सुबह से ही मतलब धोकर रखा हुआ था, तो मैं सोची धूप में डाल देती हूँ ताकि वो सूख जाए। और धूप में गई तो मुझे प्यास भी लग गया है, पानी पीऊँगी अभी थोड़ा देर में। मेरा मतलब कल भी मीठा पानी आएगा ना, तो पानी पीऊँगी, पहले से मैं भर के रखी नहीं थी मतलब पीने के लिए अपने लिए। तो गाइस जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे का वीडियो अब नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।